Hi guys, welcome back to my channel Unlock Psychology with Shweta. आज का वीडियो मैं बनाने वाली हूँ उन हॉट क्वेश्चंस के ऊपर जो हम सभी को नॉकडाउन करता रहता है टाइम टू टाइम, यानी कि ऐसे सवाल जो हम सभी को कहीं ना कहीं बॉदर कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि साइकोलॉजी एक इमर्जिंग फील्ड की तरह नजर आ रहा है आज के डेट में हम सभी को, क्योंकि साइकोलॉजिकल इश्यूज, स्ट्रेस, यू नो, प्रॉब्लम, ये सभी जगह है एंड नॉट एवरीबडी नो हाउ टू डील विद दीज प्रॉब्लम्स। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन साइकोलॉजी की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। बट साथ ही साथ कई लोग शुरू से ही साइकोलॉजी को अपना करियर समझते हुए नहीं चलते, बट उन्हें इवेंचुअली रियलाइज होता है दैट दे वांट टू डू साइकोलॉजी, तो वो ऐसे में क्या करें। इसी से जुड़े आज मेरे पास कुछ सवाल हैं जिनका जवाब मैं अपने इस सेशन के अंदर और इस एपिसोड फॉर दैट मैटर के अंदर देने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के ऊपर। तो पहला सवाल भेजा है हमें अमित ने, और अमित लिखते हैं कि उनके पास 11th और 12th में साइकोलॉजी नहीं थी, इज इट पॉसिबल कि वो अपने ग्रेजुएशन में साइकोलॉजी ले सके। सो अमित, डोंट वरी डियर, यू कैन एब्सोल्युटली टेक साइकोलॉजी इन योर ग्रेजुएशन अगर आपके पास 11th और 12th में साइकोलॉजी नहीं भी थी तो। वाई? बिकॉज एज पर द रूल्स एंड गाइडलाइंस अगर आपके पास वो सब्जेक्ट नहीं है जो आप ग्रेजुएशन में ऑप्ट करना चाहते हो, तो आपको 2-3% एक्स्ट्रा परसेंटेज की ज़रूरत होती है, एंड वो परसेंटेज भी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कट ऑफ 92% आया तो यू शुड एटलीस्ट ऑप्टेन 95% टू गेट एन एडमिशन इन साइकोलॉजी कोर्स। आई होप दैट आंसर योर क्वेश्चन। विद दिस मैं अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करती हूँ जो कि मुझे पूछा है सुहानी ने। सुहानी लिखती हैं कि मेरे पास ग्रेजुएशन में साइकोलॉजी नहीं थी, तो इज़ इट पॉसिबल कि मैं अपने मास्टर्स में साइकोलॉजी के साथ कर सकती हूँ? तो सुहानी, अगेन द आंसर इज़ अ बिग येस टू इट। आप 100% अपने मेजर साइकोलॉजी के अंदर कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि अगेन ये एक ये एक यूजीसी गाइडलाइन है जिसके हिसाब से आपको सिर्फ ग्रेजुएशन डिग्री की ज़रूरत होती है, दैट टू बेयर मिनिमम ऑफ 55%। तो अगर आपने ग्रेजुएशन में 55% ऑप्टेन किया है तो आप किसी भी सब्जेक्ट के अंदर अपना मेजर कर सकते हैं। नाउ व्हेन आई से किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, आई लिटरली मीन इट गाइस, बी इट फिलोसफी, बी इट साइकोलॉजी, बी इट इंग्लिश लिटरेचर, बी इट इकोनॉमिक्स, आप कोई भी सब्जेक्ट में अपना मास्टर्स कर सकते हैं। नाउ वो किस तरीके से होता है? आपको बेसिकली पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी जिसको आप टारगेट कर रहे हैं उसके एंट्रेंस टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है, एंड दैट्स द टाइम आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। कई यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एंट्रेंस टेस्ट के बाद एक इंटरव्यू राउंड होता है, वेर एज कई यूनिवर्सिटीज सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ योर एंट्रेंस एग्जाम आपको ले लेती है। और एक तरीका होता है जहाँ पर आप मेरिट के बेसिस पे ही मास्टर्स में एडमिशन ले लेते हैं। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल प्रोसेस गाइज, इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। आपको अगर और भी कोई सवाल है जो बॉदर कर रहे हैं, आई वुड रियली वॉन्ट यू ऑल टू राइट दैट डाउन ऑन द कॉमेंट सेक्शन। आई होप आई हैव आंसर्ड ऑल योर क्वेरीज एंड आई होप आई हैव मेड दिस वीडियो अ वेरी शॉर्ट, क्रिस्प एंड मोस्ट इम्पैक्टफुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, टेक केयर, बाय।